माननीय मंत्री जी द्वारा दीप प्रज्वलन किया जाएगा, तो दीप प्रज्वलन के लिए माननीय मंत्री जी को ले जाएंगे पंडाल के नीचे। माननीय मंत्री जी के द्वारा सर कार्यक्रम बिल्कुल भव्य था, लेकिन आज परिणाम भी आया तो इससे भी अगर हमारे आज परिणाम देख रहे हैं और परिणाम आपको पता है और इसके बाद परिणाम पर जो होना चाहिए वो पार्टी उस पर विचार करेगी, समीक्षा करेगी और आगे हम लोग बढ़े। क्या लगता है राम नाम कारगर नहीं है? देखिए ऐसा कुछ नहीं लगता, 15 साल से सरकार है, 15 साल से सरकार छत्तीसगढ़ बहुत अच्छा काम किया, मध्य प्रदेश की सरकार ने, छत्तीसगढ़ की सरकार ने, लेकिन 15 साल तक सरकार में रहने के बाद स्वाभाविक रूप से कुछ ना कुछ हो जाता है, जनता के मन में आता है बदलाव और उसके तहत जनता ने जो भी जनादेश दिया उसका सिरोधार्य करते हुए आगे पार्टी समीक्षा करेगी और आगे बढ़ेगी। क्या वहाँ की जनता इस जितनी योजनाएं चल रही हैं इसका लाभ नहीं ली थी? बहुत लाभ लिया है। तो फिर क्या कारण था कि इस तरीके से रिजल्ट आया? अंदर हमारा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों राज्यों के काम बहुत अच्छे थे, लेकिन उसके बाद भी चुनाव चुनाव होता है, कई बार लोगों के धारणाएं बदलती रहती हैं और परिवर्तन होता रहता है और इसलिए जो परिवर्तन हुआ आप सबके सामने। मोदी मैजिक क्या लग रहा है कि मोदी जी जो 2014 में मोदी जी का जो ग्राफ था वो ग्राफ और बढ़ा है। मोदी जी भारत ही नहीं दुनिया के सर्वमान्य नेता बने और जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं वो काम की तुलना किसी से की नहीं जा सकती, तो मोदी जी के ऊपर इसका कोई विषय नहीं है, विषय है कि वहाँ की सरकार लोकल सरकार जो चल रही थी उसमें जो तक काम करने के बाद उस सरकारों ने भी बहुत अच्छा काम किया, इसीलिए आपने देखा होगा कि इसके बावजूद भी सवेरे से काउंटिंग